हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में अपनी यूनिट 4 के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे फाइटोप्थोरा के बारे में। लास्ट टर्म में हमने पाइथियम पढ़ा था, आज का हमारा टॉपिक है फाइटोप्थोरा। तो देखिए, फाइटोप्थोरा में सबसे पहले हम जानेंगे उसके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। तो देखिए, फाइटोप्थोरा का जो सिस्टमैटिक पोजीशन है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवीज़न क्या होता है। तो देखिए, डिवीज़न है माइकोटा, सब डिवीज़न है यू माइकोटिना, क्लास है ऊ माइसिटीज, ऑर्डर है फैनरोपोरेल्स, फैमिली है पाइथिएसी और जीनस है पाइटोप्थोरा। ये सिस्टमैटिक पोजीशन है किसका? पाइटोप्थोरा का। फाइटोप्थोरा का अब हम देखेंगे फाइटोप्थोरा में उसके हैबिट और हैबिटेट्स के बारे में, यानी कि उसका स्वभाव और आवाज कैसा होता है। तो देखिए, फाइटोप्थोरा की जो जातियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, पूरे विश्व में पाई जाती हैं। अधिकांश जातियाँ कैसी होती हैं कि अधिकांश जातियाँ परजीवी होती हैं, परंतु कुछ जातियाँ जो क्या होती हैं, मृतो परजीवी होती हैं। अब देखिए, यह आलू के पौधे में लेट ब्लाइट यानी लेट ब्लाइट नामक रोग फैलाते हैं। और क्या होता है कि यह जो है कम तापमान व नम वातावरण में ये रोग अति शीघ्रता से फैलते हैं। यानी अगर इनको कम तापमान मिलेगा और नम वातावरण मिलेगा तो ये और अधिक तीव्र गति से वृद्धि करेगा। अब हम आते हैं इसके जो है जो इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है, यानी जो इसकी कायिक संरचना होती है वो कैसी होती है। तो देखिए, कायिक संरचना जो फाइटोप्थोरा की होती है वो कैसी होती है? कवक जाल और शाखित होती है। यानी कि जो इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है कि ब्रांच होता है, यानी उसमें शाखाएं होती हैं। ब्रांच्ड मतलब जो कैसा है, शाखित है। अब हम आगे देखेंगे इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में कि ब्रांच्ड है और क्या होता है कि जो है फाइटोप्थोरा में उसके जो निकटवर्ती यानी जो निकटवर्ती हाइफी होते हैं, जो तंतु होते हैं, वो एंथ्रीडिया पर डेवलप होते हैं यानी उसी पे विकसित होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो इसमें क्या होता है कि जो इसके एम्फीगाइनस होते हैं, तो एम्फीगाइनस में पहले एंथ्रीडियम का विकास होता है और विकास पूर्ण हो जाने के बाद एक हाइफी पूर्णधानी को भेद कर जो है बाहर निकल जाता है और फूल कर अंडधानी का निर्माण करता है। तो जो है इस प्रकार हम देखेंगे फाइटोप्थोरा के बारे में। अब हम देखते हैं इसका जो रिप्रोडक्शन होता है यानी इसका जो है जनन होता है वो कैसा होता है। तो देखिए, जो फाइटोप्थोरा का जनन होता है वो फाइटोप्थोरा का जनन दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारा कैसा, ई सेक्सुअल, और दूसरा हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, जो ई सेक्सुअल होता है यानी जो अलैंगिक जनन होता है, तो उसमें क्या होता है, वो कैसे होता है, चल बीजाणुओं के द्वारा यानी जो जू स्पोर्ट्स होते हैं उनके द्वारा इसका अलैंगिक जनन होता है, जो कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड यानी दुई कशाबिक होते हैं। इनका निर्माण कोनेडियो स्पोरेंजिएट में होता है, जो अंतराकोशिक कवक जाल यानी कि जो माइसीलियम होता है उसकी कोशिकाएँ पोषक के रंधो यानी स्टोमेटा के द्वारा उसकी बाह्य त्वचीय कोशिकाओं को भेद कर बाहर निकल जाती हैं। और इन कोशिकाओं की वृद्धि कैसी होती है, अनिश्चित होती है, यानी उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती। अब ये क्या करती हैं कि ये कोनिडियोस्पोर के रूप में कार्य करते हैं और कोनिडियोस्पोर कोनिडियोस्पोरेंजियम का निर्माण होता है। अब देखिए, जो परिपक्व यानी जो मैच्योर होते हैं, क्या
जो आपके कोनिडियो स्पोरेंजियम होते हैं, जो मैच्योर होते हैं, वो हवा के झोंके अथवा जो पानी की बूंदें होती हैं जब वो पड़ती हैं तो वो क्या करते हैं, वो कोनिडियो स्पोर से कैसे होते हैं, अलग हो जाते हैं। और इन कोनिडियो स्पोरेंजियम में दो प्रकार से अंकुरण होता है। वो दो प्रकार से अंकुरण कैसा होता है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अंकुरण होता है। अब देखिए, जो प्रत्यक्ष अंकुरण होता है यानी जो डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, उसमें कोनिडियो स्पोरेंजियम कोनिडिया की तरह कार्य करने लगती है और अंकुरित होकर, जब वो अंकुरित होती है तो एक नया माइसीलियम बनाती है यानी एक कवक बनाती है। जबकि अंकुरण में कोनिडियो स्पोरेंजियम चल बीजाणुधानी यानी जो चल बीजाणुधानी होती है की तरह व्यवहार करने लगती है। आप देखिए, वो व्यवहार करने लगी, लेकिन अब क्या है कि बहुत से ऐसे जू स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत से जू स्पोर्ट्स का निर्माण होता है जो कुछ समय क्या करते हैं, सिस्ट बना लेते हैं और अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो ये हमने आपको बताया क्या, रिप्रोडक्शन किसका, फाइटोप्थोरा का, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि जो इसका लैंगिक जनन होता है ये कैसे होता है। ये लैंगिक जनन इसका दो प्रकार से होता है। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका प्रकार होता है कौन सा, जो है एक प्रकार है आपका यूगोनिया और दूसरा होता है आपका एंथीडियम। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा था, जो है दो प्रकार से हुआ, एंथीडियम और यूगोनियम के द्वारा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, जो है यूगोनियम, जो है एंथीडियम की। तो देखिए, पूर्णधानी यानी एंथीडियम का जो विकास होता है यानी डेवलप होता है वो किसी कवक तंतु पर होता है। अब ये कवक तंतु जो होते हैं कैसे होते हैं, आकार में बिल्कुल गदाकार हो जाते हैं और ये शेष कवक तंतु अनुप्रस्थ यानी कि अनुप्रस्थ पट द्वारा कैसे होते हैं, पृथक हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो युवा पुर्धानी होती है, जो मैच्योर होती है, वो क्या करती है, युवा पुर्धानी के कोशिका द्रव्य में यानी जो उसका प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें एक या दो केंद्रक क्या करते हैं, रहते हैं और इसमें विभाजन होता है यानी डिवीजन होता है, जिससे 8 से 12 केंद्रक बन जाते हैं। परिपक्व पूर्णधानी में केवल जो है एक केंद्रक होता है वो एक्टिव होता है, यानी इतने केंद्रक तो बन गए और क्या हुआ कि सिर्फ एक केंद्रक यानी एक न्यूक्लियस था वो कैसा रहेगा, वो एक्टिव रहेगा और बाकी सब कैसे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये तो हमने आपको बताया एंथीडियम के बारे में, अब हम आपको बताएंगे यूगोनियम के बारे में। देखिए, जो यूगोनियम होता है यानी यूगोनियम में कैसे होता है कि जो एंथीडिया का विकास हुआ, तो एंथीडिया का विकास पूरा होने से जो अंडधानी होती है उसकी प्रारंभिक शाखा इसे भेदते हुए बाहर निकल जाती है और इसका शेष भाग जो होता है उसमें क्या होता है कि शिशु अंडधानी यानी जो शिशु अंडधानी का केंद्रक होता है वो कैसा हो जाता है, बहुकेंद्रकी हो जाता है तथा ये केंद्रक क्या होता है, विभाजित होगा यानी डिवीजन होगा और डिवीजन करके ये क्या बनाएगा, 40 केंद्रक का निर्माण करता है यानी 40 न्यूक्लियस बनाता है। अब देखिए, जो अंडधानी था तो अंडधानी का जीवदल पेरिप्लाज्म में वह क्या करता है, विभाजित करता है और ये दोनों ही कैसे होते हैं, बहु केंद्रकी होते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं कि एक केंद्रक को छोड़कर सभी पेरिप्लाज्म में आ जाते हैं और आखिरी में क्या होता है कि अंत में पेरिप्लाज्म के सभी केंद्रक कैसे होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो मैच्योर अंडधानी होती है यानी जो कैसी होती है, परिपक्व अंडधानी होती है, वो लाल या नीले रंग की चिकनी भित्ति युक्त गोल एक केंद्रीय संरचना होती है। अब हम देखेंगे फाइटोप्थोरा के
जो है फर्टिलाइजेशन को कि उसका निषेचन कैसे होता है। तो देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी नीचे निषेचन के समय क्या होता है, जो एंथीडिया होता है और जो ओगोनिया होता है उसके बीच की जो भित्ति होती है तो वो क्या होती है, घुल जाती है। अब जब वो घुल गई तो वो एक क्या करती है, निषेचन नलिका यानी फर्टिलाइजेशन ट्यूब को बना लेती है और जो अंडधानी के को भेद कर नर केंद्र यानी मेल न्यूक्लियस को उसमें पहुंचाती है। अब जो अंड यानी एग और मेल न्यूक्लियस क्या करते हैं, फ्यूज़न करते हैं और फ्यूज़न से ओ स्पोर्स बनाते हैं जो कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और ओ स्पोर्स की मोती भित्ति दो परतों में क्या होती है, दो परतों में विभेदित होती है। भारी भित्ति जिसे बीजाणु एक्सोस्पोर कहते हैं और पैक्टिक पदार्थों से निर्मित पदार्थ कैसे होते हैं, निर्मित कैसी होती है, पतली होती है। अब देखिए जो भीतरी भित्ति हुई तो वो क्या होती है कि एंडोस्पोर सेलुलोज व प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो ये तो हमने देख बात करी उसके फर्टिलाइजेशन के बारे में, किसके, जो हमारा फाइटोथोरा था। अब हम बात करेंगे जर्मिनेशन कि उसका अंकुरण कैसे होता है। तो देखिए जो ओस्पोर था तो उसके अंकुरण क्या होते हैं कि परिपक्व होने के लिए कुछ समय की उन्हें आवश्यकता होती है, यानी एकदम से वो परिपक्व नहीं होते, कुछ समय लगता है उनको मैच्योर होने में। अब क्या होता है, अंकुरण से पहले ओस्पोर केंद्रक में क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं और जिससे अनेक केंद्रक बनते हैं, फिर जर्म ट्यूब बनती है और ये कैसे करते हैं, स्पोरेंजिया को डेवलप करते हैं। जब स्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है तो शेष जो जो जनन नलिका होती है वो क्या करती है कि अलग होती है और बीजाणुधानी के केंद्रकों में पहले फिर क्या होता है, सूत्री विभाजन होता है और नई केंद्रकों का निर्माण होता है। जब ये नई केंद्रक का निर्माण होता है तो ये केंद्रक कैसे होते हैं, ये केंद्रक जल बीजाणु जो स्पोर बनाती है जो कैसे होते हैं, बायफ्लैजिलेटेड होते हैं और कुछ समय बाद ये सिस्ट का निर्माण करते हैं और जो अंकुरित होकर नए कवक जाल को बनाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फाइटोप्थोरा, जिसमें हमने उसके सिस्टमैटिक पोजीशन को जाना, उसके हैबिट को जाना और उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को जाना। नेक्स्ट हमने रिप्रोडक्शन देखा कि टू टाइप्स होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल कैसे होता है, ओगोनियम और एंथीडियम के द्वारा। फिर हमने देखा उसके फर्टिलाइजेशन को और फिर हमने जर्मिनेशन की बात करी। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।